कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रभारी अपर प्रभारी अधिकारियों की आयोजित बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने प्रभारी अधिकारी वार जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि निर्वाचन को पारदर्शी शांतिप्रिय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए तथा उसकी संपूर्ण व्यवस्था को समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन कराने के लिए प्रभारी एवं अपर प्रभारी अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य समयबद्ध होता है, अतएव संबंधित प्रभारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ पूर्ण करें, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने प्रेक्षक व्यवस्था के संबंध में समीक्षा के दौरान प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रेक्षक गणों के लिए लाइजनिंग अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण अच्छे प्रकार से कराया जाए और उनको ईवीएम के बारे में और अन्य जानकारी अच्छे से देने के साथ ही उनको ट्रेनिंग ईवीएम पर उनको प्रैक्टिकल भी कराया जाए, तथा साथ ही प्रशिक्षण एवं मतदान प्रक्रिया में कोविड के बचाव के प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी टीमें अपने अपने कार्यों पर पूरी तत्परता से लग जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि विगत चुनाव की अपेक्षा ज्यादा मतदान हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित विभिन्न अधिकारीगण एवं प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित रहे। इससे भी कहा था कि सोमवार का दिन हमें लगता है हाँ, सब लोग अपना पैदल या दुपहिया से आए। डीआरएस साहब है, बीएसए साहब है ना, इसमें केवल हमें प्रमाण पत्र मंगवाना है सब जगह से कि साहब आप लोग डबल इस हॉल में सभी लोग डबल उपलब्ध करा दिया। नगर आयुक्त साहब का डबल वैक्सीनेशन आवश्यक है, जिसने अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाने का अधिकार नहीं है। जब तक दंड का प्रावधान नहीं रहता तब तक आया है, उसके सैलरी रुकवा दे और न्यूज़पेपर में निकाल दे। साहब आपके यहाँ आपका पूरा टीचर्स का हुजूम है तो जिसका डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। दूसरा बिल हमारा एएमएफ का था, तो कल डीएम साहब ने जब बैठक ली थी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी पे, उसमें सभी एसडीएम साहबान को कहा गया है हमारे 103 बूथ ऐसे हैं जो 5 प्लस हैं, मतलब 5 या 5 से अधिक वहां पर बूथ हैं उन मतदान केंद्रों पर, उनका विजिट कहा गया कि एसडीएम साहबान कर लें, जिसमें 3 और 4 हैं उसमें तहसीलदार साहबान कर लें और जिसमें 1 और 2 हैं उसमें लेखपाल विजिट कर लें। और विजिट करके उनको कहा गया है कि 3 दिन में वो मतलब बेदर्दी से विजिट करें और 3 दिन बाद या पैरेलल ही रिपोर्ट देते जाएं, बीएसए साहब को फोन पे बताते जाएं, मतलब बीओ साहबान को। 2078 पोलिंग सेंटर है, 2078/2 लगभग 1050 प्रदेश के लिए, देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट संवेदनशील एवं आयोग की बैठक में जब मैं और कप्तान साहब गए थे, स्पष्ट निर्देश ये मिले हैं कि ये टेक्सटबुक टाइप इलेक्शन होना, प्लानिंग सुनियोजित तरीके से करना है और अभी समय बहुत कम है। अगले 3 महीने में ये जो आपको अपने क्षेत्र में काम करना है उसको आप सभी अनुभवी अधिकारी हैं, किसी को ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आज ये बैठक में जो रूपरेखा तय की जाती है उसके अनुसार 100% आचरण करा के करवा लीजिएगा। सबसे पहले ये है कि मतदान कार्मिक और मतगणना कार्मिकों का नियुक्ति और प्रशिक्षण हमने तो अभी ऑलरेडी प्रधान इलेक्शन में करा लिया है। हमारे पास अच्छी बात है कि स्टाफ की कमी नहीं है, तो ये NIC DIO साहब के साथ मिलकर रैंडमाइजेशन और ये सब का पहले से व्यवस्था देख लेना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। सुबह सुबह रैंडमाइजेशन और रैंडमाइजेशन में सलाह हो जाए ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। कानून व्यवस्था उस दिन झेलना पड़ता है, तो ट्रेनिंग अच्छा करा ले, मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग तुरंत शुरू कराइए, ईवीएम ट्रेन मशीनों की ईवीएम पैड ट्रेनिंग्स में अभी विशेष रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए, उसमें जो नई चीजें जोड़ी है उसमें अभी से करा लो। इसमें बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा घटक है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इसमें सिर्फ डेटाबेस अपडेट हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग लास्ट डे में पोलिंग पार्टियां रवाना होते वक्त उसका भी प्लान बनना है और काउंटिंग का ट्रेनिंग, वो काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग उसका भी प्लान बनना है, सबका डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, तो मैं अंदर बहुत अच्छी टीम आनी चाहिए।